हे फ्रेंड्स, आजकल हमें नोकिया का कोई भी खबर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पहले नोकिया ने आते के साथ बहुत सारा फ़ोन लॉन्च किया और काफ़ी अजीब नाम से लॉन्च कर देता था फ़ोन। यूज़र काफ़ी कंफ्यूज हो जाते थे, कभी नोकिया 5 आता था, उसके बाद 5.1, फिर 5.1 प्लस, कैसे ऐसे ही कुछ अजीब नामों के साथ फ़ोन लॉन्च होता था जिससे यूज़र्स को काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था दोस्तों। मगर इधर कुछ लीक निकल कर सामने नहीं आए नोकिया के बारे में। मगर दोस्तों, अब एक फ़ोन का लीक निकल कर सामने आ रहा है जो कि नोकिया का 5G फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है, जिसका नाम नोकिया X होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नोकिया X के बारे में ही बात करने वाले हैं, जानेंगे इस फ़ोन में आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिल सकता है और दोस्तों वो फ़ोन कैसा होगा। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बधाई टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, नोकिया X के बारे में बात करें तो सबसे पहला न्यूज जो निकल कर सामने आता है इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। तो दोस्तों, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी मस्त कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों। काफ़ी स्मूथनेस तो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। 90 हर्ट्ज भी काफ़ी अच्छा स्मूथ लगता है हमें, 120 हर्ट्ज तो दोस्तों काफ़ी कमाल का स्मूथनेस होगा। और दोस्तों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 5G के साथ में होगा। तो दोस्तों, 5G फ़ोन है, ऊपर से फ्लैक्सिब 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, तो दोस्तों काफ़ी कमाल का कॉम्बिनेशन ये सब मुझे देखने में तो अभी लग रहा है शायद। मगर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नोकिया हिस्ट्री में कितने गड़बड़ी कर चुका है, फ़ोन लॉन्च करता है, अच्छे फ़ोन भी लॉन्च किए हैं कुछ नोकिया ने, मगर दोस्तों अच्छे से ज़्यादा बहुत बेकार फ़ोन लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड के साथ में। पहले नोकिया का कुछ बात ही अलग था, मगर दोस्तों जब से नोकिया एंड्रॉयड के साथ में आया है तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपको कोई भी बड़ा टेक यूट्यूबर नोकिया के बारे में बात करता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दोस्तों नोकिया कुछ खास कमाल नहीं कर पाता है फ़ोन में और कुछ एडवर्टाइजिंग भी नहीं करता है। अगर वो ओप्पो वीवो जैसा एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दे दोस्तों, तब तो नोकिया ओप्पो वीवो को तो पीछे छोड़ देगा, ये तो पक्का है, क्योंकि दोस्तों नोकिया का नाम तो पहले से ही है। मगर दोस्तों, हम नोकिया X के बारे में बात करते तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर और दोस्तों ये स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा। जैसा कि आपको पता है नोकिया अपना सारा एंड्रॉयड फोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ लॉन्च करता है, जैसे कि एंड्रॉयड 1 होता है दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉयड ही उसे कहेंगे हम, तो उसी के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 4000 mAh की बैटरी। इस फोन की कैमरे के बारे में बात करें दोस्तों, तो फ्रंट में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा या फिर ड्रॉप नॉच कैमरा होगा पता नहीं है दोस्तों, मगर दोस्तों बैक में आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा और बाकी आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 4 कैमरा बैक में देखने को मिल सकता है इस फ़ोन के। तो दोस्तों, पेपर पे तो ये फ़ोन काफ़ी कमाल का लग रहा है, मगर दोस्तों जैसा कि आपको पता है नोकिया ने 9 प्योर व्यू फ़ोन लॉन्च किया था 5 कैमरों के साथ। लॉन्च होने से पहले दोस्तों इसका काफ़ी सारा लीक निकल के आया था, लग रहा था कि नोकिया इस बार कुछ तबाही मचा देगा स्मार्टफोन वर्ल्ड में। मगर दोस्तों, वो जब लॉन्च हुआ तो काफ़ी बेकार फ़ोन था दोस्तों, एक साल पुराना प्रोसेसर देखने को मिलता था, ऊपर से फ़ोन का डिज़ाइन भी थोड़ा पुराना था और दोस्तों उसके 5 कैमरे से हमें उम्मीद थी वो भी बिल्कुल फुस निकली, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको ना तो लो लाइट कैमरा अच्छा देखने को मिलता था, ना ही ऐसे भी कैमरा बिल्कुल बेकार था, उससे अच्छा फ़ोटो तो 14-15 हज़ार का फ़ोन क्लिक कर दे रहा था। तो दोस्तों, नोकिया 9 प्योर व्यू काफ़ी बेकार फ़ोन साबित हुई वो। अब मगर दोस्तों, नोकिया X का जो पेपर पे हमें लीक दिख रहा है वो काफ़ी कमाल का लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, नोकिया X कुछ कमाल कर पाएगा क्या, नोकिया X क्या का नया पार लगा देगा 2020 में या फिर नहीं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है चैनल से रिलेटेड वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि बधाई टेक ने कोई वीडियो अपलोड किया। आप लोगों की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।